हेलो एवरी कैसे हैं आप लोग आज की जॉब की अपडेट ई की तरफ से यह न्यू रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है 2023 की लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करने वाले इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को विदाउट स्किप के जरूर से देखना जब भी आपके यहाँ सभी क्वेश्चन एंड डाउट यहाँ आपके क्लियर होने वाले एंड अगर आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पी चाहिए तो आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर सकते हैं इसकी कम्प्लीट नोटिफिकेशन की पी आप वहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं एंड अगर आपको ये चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो तो चलिए यहाँ वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले तो जो यहाँ आपकी पोस्ट नेम वाइज वैकेंसी की बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर के लिए यहाँ आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है टोटल तो यहाँ आपको टू हंड्रेड आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है जिसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो जनरल के लिए यहाँ आपको एटी वैकेंसी है ईडब्लू के लिए ट्वेंटी वैकेंसी है ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ आपको 52 वैकेंसी है एससी के लिए यहाँ आपको 33 वैकेंसी है और जो कैंडिडेट की कैटेगरी की उनके लिए यहाँ आपको 15 वैकेंसी देखने को मिल रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी कैंडिडेट के पास बी बी है एंड जो भी आपका ग्रेजुएट में मार्क है वो सिक्सटी परसेंट से है है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं बी बी टेक में अगर आपके पास सी एस सी आई टी ई सी ट्रिपल ई मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रोमेंशन से अगर आपके पास बी बी टेक है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहने वाले बट इस रिक्रूटमेंट के अंदर आपको मिनिमम वन ईयर का एक्सपीरियंस है आपको मैंनेडेटोरी है आप यहाँ से रीड आउट भी कर सकते हैं कि आपको जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो किस फील्ड के अंदर हमें आपको एक्सपीरियंस लगने वाला है यहाँ इन्होंने मैंशन भी किया हुआ है नोटिफिकेशन में इक्शन फील्ड ऑपरेशन रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इंडस्ट्री ल प्रोडक्शन में अगर आपके पास एटलीस्ट वन ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म के लिए यहाँ एलिजिबल रहने वाले और ये जो रिक्रूटमेंट है वो ओनली कॉन्ट्रेचुअल बेसिस पर रिक्रूटमेंट है आप यहाँ से इनकी ऑफिशियल साइट पर चेकआउट भी कर सकते हैं कि टेक्निकल ऑफिस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यह रिक्रूटमेंट है प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे और ये जो रिक्रूटमेंट है वन ईयर की ये रिक्रूटमेंट है अगर आपका परफॉर्मेंस यहाँ अगर बेस रहा तो यहाँ पर एक्सटेंड भी कर सकते हैं जिसमें सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ फर्स्ट ईयर में जो आपको सैलरी प्रोवाइड होने वाली है वो ट्वेंटी फाइव थाउजेंड को पर मंथ के लिए प्रोवाइड होने वाली है सेकंड ईयर में जो आपको सैलरी प्रोवाइड वाली है वो ट्वेंटी एट थाउजेंड आपको सैलरी प्रोवाइड होने वाली है एंड थर्ड और फोर्थ ईयर में आपका जो सैलरी प्रोवाइड होने वाली है वो थर्टी वन थाउजेंड आपको पर मंथ के लिए सैलरी प्रोवाइड होने वाली है इस रिक्रूटमेंट के अंदर आपको यहाँ कोई भी जो भी आपके एग्जाम है वो यहाँ आपको देने की जरूरत नहीं है ओनली वॉल किन इंटरव्यू के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड आपको इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डायरेक्ट ऑफिशियल साइट की पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगी आप वहाँ से जाकर भी इसकी कंप्लीट नोटिफिकेशन को आप रीड आउट कर सकते हैं रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड होने वाला है ओबीसी के लिए थ्री ईयर है एस सी के लिए यहाँ आपको फाइव ईयर का टेन ईयर का यहाँ पी डी कैटेगरी के लिए यहाँ आपको टेन ईयर का रिलेक्जेशन भी प्रोवाइड हो रहा है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आपका वॉल इंटरव्यू के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और जो वाल इंटरव्यू की रिपोर्टिंग टाइम है वो नाइन ए एम एलेवन जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की वॉल इंटरव्यू की ये डेट रहने वाली है और जो अप्लाई करने का प्रोसेस है इसके आप ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्प्लीकेशन फॉर्म को आप इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पेज को ज्वाइन करके इसकी जो भी अपीलीकेशन फॉर्मेट है आप उसको डाउनलोड करके फिलअ करके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप वो मैंडेटरी लेकर जा सकते हैं वर्क इंटरव्यू के टाइम और जो वर्किन इंटरव्यू का वेन्यू की बात करें तो सी ए डी बिल्डिंग मैन फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ई सी आई एल पोस्ट हैदराबाद यहा आपका वॉल किन इंटरव्यू लोकेशन रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो भी है आपका सिलेक्शन प्रोसेस है मतलब जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए ट्वेंटी परसेंट का वेटेज है एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको थर्टी परसेंट का वेटेज देखने को मिल रहा है और जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका यहाँ आपको फिफ्टी परसेंट का वेटेज देखने को मिल रहा है इस तरीके से यहाँ आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है ऑल इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी स्टेट हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले है. और जो भी यहाँ आपका इंटरव्यू के टाइम पर कोई भी यहाँ आपको ट्रैवलिंग या डेयरनेस अलाउंसेस प्रोवाइड नहीं होने वाला है इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल आप कौन सी भी स्टेट से हो या कोई भी डिस्ट्रिक्ट से हो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले इस रिक्रूटमेंट में अगर आप इलिजिबल है तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं एंड अगर आपको इस चैनल पर वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रोवाइड हो एंड जो कैंडिडेट इस रिक्रूटमेंट में एलिजिबल नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज आज के दिन हम दो या तीन वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करने वाले हैं जिसमें आप ज़्यादातर चांसेस है आप इीजिबल रहने के तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आप तक प्रोवाइड